जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को गुपचुप तरीके से मऊ पेशी के लिए भेजा गया है। उसे गैंगस्टर न्यायालय में पेश कराने के लिए आदेश जारी हुए थे। सीओ के नेतृत्व में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और करीब एक गारद फोर्स रवाना की गई है। माफिया पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लाकर 6 अप्रैल 2021 से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। मुख्तार अंसारी पर मऊ के गैंगस्टर न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। हालांकि वकीलों की हड़ताल के चलते केस की सुनवाई न होने की बुधवार रात तक आशंका बताई जा रही थी। कोर्ट ने मुख्तार को पेश करने को कहा था। कोर्ट का आदेश आने पर अधिकारियों ने देर रात आनन फानन मुख्तार अंसारी को रवाना किया है। बताते चले कि मुख्तार अंसारी और उसके स्वजन पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले दिनों पहले न्यायालय मुख्तार के बड़े बेटे अफजल अंसारी को भगोड़ा घोषित किया गया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अंसारी की पत्नी आफशा पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मुख्तार को गोपनीय ढंग से पेशी में ले जाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। प्रभारी जेल अधीक्षक वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि रात तक उन्हें भी कोर्ट में पेशी के लिए भेजने के बारे में पता नहीं था। अचानक आदेश मिलने पर उसे भेजा गया है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसे यहां से रवाना किया गया है।